बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। YouTube के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। नाज़रीन, अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जारी जंग एक नया रुख इख्तियार कर रही है। एक तरफ इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान अज़रबैजान की मदद कर रहा है और रूस ने पाकिस्तान को मना किया है कि पाकिस्तान अज़रबैजान की मदद ना करे, जबकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। इसलिए रूस ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर के इंजन की फ्राहमी रोक दी है। नाज़रीन, ये वो ख़बरें हैं जो भारतीय मीडिया सुना रहा है और भारतीय मीडिया की रेपूटेशन का सबको पता है, भारतीय मीडिया झूठी खबरें ही बताता है। इसका सबूत रूस ने खुद भी इस भारतीय खबर की तरदीद करते हुए दे दिया। रूस ने भारतीय मीडिया की इस खबर को सामने रखते हुए जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय मीडिया कह रहा है। नाज़रीन, रूस के इस जवाब से भारतीय मीडिया को बहुत ही करारा थप्पड़ पड़ गया है और उन भारतीयों के लिए भी डूब मरने का मकाम है जो भारतीय मीडिया की हर खबर को सच मान लेते हैं। नाज़रीन, आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। नाज़रीन, ये बयान सुने जो आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Находится под непосредственной угрозой Турции, и Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. और इसके जवाब में अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने जो कहा वो भी सुने। Оказывает нам моральную поддержку. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует. नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो सबूत के साथ आपको बताई, जबकि भारतीय मीडिया झूठी सच्ची खबरें बगैर सबूत के साथ अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए लगा देता है। भारतीय मीडिया चाइना के मामले में भी बड़ी बड़ी भड़कें मारता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन एक बात सच है कि भारतीय मीडिया सिर्फ पैसे का पुजारी है। कोई भी शख्स चंद पैसे देकर अपने मतलब की खबर चलवा सकता है, जैसे मोदी कर रहा है। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।